प्रतिशत ही सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं और इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट। चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्लियर कट झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है उसका भी सबूत है सबसे बड़ा। देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन आ जाए, यहीं आ जाए या हम आ जाएंगे, उनके सामने डिबेट करने को तैयार है। हम ये दिखा देंगे और उनके मुंह से हाँ कलवा लेंगे। ये में कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, एक मिनट में पकड़े जाएंगे। चैलेंज मोदी जी को भी और ये जो दो सिपहसालार इन्होंने जनरल्स उतारे हैं उनको भी दे रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स अभी भी वीवीपैट के झांसे में आ रहे हैं तो उनको इससे वीवीपैट के झांसे से दूर करना है। आरएसएस के लोगों ने भी जो उनके पन्ना प्रमुख हैं उन्होंने भी मुझे पकड़ा, वो कह रहे हैं भैया ये बताओ ये मोदी जी क्या हम पे भरोसा नहीं करते। एक बात तो तय हो गई कि जो हमारे सबसे ज्यादा इतिहास में ना भूतो भविष्यति सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं और इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट हो, एक बात तो ये तय हो। अब दूसरी बात ये है कि जो परसों कांड हुआ था हम लोगों के साथ, आप सब ईमानदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहाँ सीनियर आईपीएस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे कैसा झूठ बोला कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। हमें वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया कि आप लोगों को चार लोगों को लेके आए। ये आप सब लोगों के सामने हुआ था। क्या कोई सीनियर सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी अगर वो स्वयं अपराधी ना हो ऐसा झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अब ये पुलिस अधिकारी तो पोस्ट ही अमित शाह साहब करते हैं, मोदी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के, जब वो आप सब लोगों के सामने पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे वो आईपीएस अधिकारी झूठ बोल रहे थे वैसे ही चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्लियर कट झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और अगर कोई ईमानदार अफसर जो चौकीदार इलेक्शन कमीशन बोलता है ना, जो अपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस में कि हमने हर जगह ईमानदार चौकीदार लगा रखा, अगर कोई 100% ईमानदार भी चौकीदार लगा दे हजारों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों का, चुनाव आयोग के पास लाखों व्यक्ति नहीं, अगर सारे के सारे ईमानदारी से भी काम करें, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, जब वीवीपैट बनेगा तो जब नॉमिनेशन पूरे हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स के नाम पता लग जाते हैं, जब ही तो वो उसमें इंड्यूस करेंगे ना कौन कौन कैंडिडेट है, और ये कम से कम पूरे देश में 543 जगह होता है उसमें कितने प्रकार के लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, अपने इंजीनियर 543 नहीं, तो प्राइवेट लोगों को एंगेज करके ये काम कराया जाता है। मैं मान लिया कि वो भी सब ईमानदार होते, तब भी ईवीएम धोखा है, इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है। मैं अपनी बात इस संदर्भ में ये कह के ख़त्म करता हूँ कि दो चीफ इलेक्शन कमीशन और ये जो अधिकारी पूरे गांव-गांव और देश-देश जाके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये इस देश की जनता की आवाज़ है, इतनी मजबूत आवाज़ है कि मजबूर होकर पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देने को तैयार नहीं था, ये मशीनें छूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है उसका भी सबूत है सबसे बड़ा। इसके आगे जो ये दो चीफ इलेक्शन कमीशन उतारे गए वो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपके दर्शकों से जाके वो देखें, वो तो उनका क्या लाइन नजर आती है इन दोनों इलेक्शन कमीशन की के जो ये सैंपल सर्वे हो रहा है, जो सैंपल 2% ये वीवीपैट में से उठाते हैं उसको ये मापदंड मान के ईमानदारी से चुनाव हो रहा है ये कहना चाहते हैं ये दोनों के दोनों, एक कुरैशी साहब हैं और एक रावत साहब हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। एक कुरैशी साहब ने बेग में से चावल का एग्जांपल दिया था, पतीली में से, जैसे कि भारत के नागरिक वोटर्स पतीली के चावलों जैसे हैं, एक चावल देख लिया और सब देख लिए।
एक एग्जांपल ये दे रहे हैं और दूसरा एग्जांपल ये दे रहे हैं रावत साहब के एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इसमें 2% का है सिर्फ, तो इसलिए तो बिल्कुल 100% सुरक्षित है। अब ये मार्जिन ऑफ एरर अगर 2% का है तो ये कितना सुरक्षित है मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10,00,000 वोट पड़े तो 2% कितने हुए, 20,000 वोट। 20,000 वोट मार्जिन ऑफ एरर, जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपा सलार हैं जिसको डिफेंड करने के लिए वो बता रहे हैं कि 20,000 का अगर 10,000 वोट पड़े, 10,00,000 वोट पड़े तो 20,000 का मार्जिन ऑफ एरर होता ही है और हो ही सकता है। दुनिया में मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूँ, कोई भी चिप या मशीन ऐसी नहीं बनी जो खराब ना होती हो, जो टेम्पर ना की जा सकती हो, दुनिया में नहीं बनी। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी सैम्पलिंग का ऐसा मेथड नहीं बना जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ना हो। इसमें तो वो खुद ही बता रहे हैं 2%। मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहता हूँ देश की जनता से, हमें टेक्निकलिटीज़ में जाना ही नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या चुनाव सैम्पलिंग से होता है? क्या एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता? जिन इलेक्शन कमीशन को, वो हमारे इलेक्शन कमीशन कितने लंबे लंबे टाइम तक रहे, ये नहीं पता क्या वो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक थे कि एक वोट से भी चुनाव हारा और जीता जाता है? वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार में निकली तो मैं एक थोड़ी एक बार मैं वो तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं ये सैंपलिंग की बात बता रहा हूँ। चुनाव का कॉन्सेप्ट ही है, एक भी व्यक्ति अगर ज्यादा वोट किसी को मिलेगा तो वो जीतेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, 10,00,000 में से 20,000 वोट इधर उधर हो जाए कोई बात ही नहीं है। क्या इनको समझ है इलेक्शन कमीशन बनने की? और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेईमानी जनता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए? तो जनता इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल किसी डिस्कशन में नहीं पड़ना है। देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई शक है, तो रास्ता हमारी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, हम आप सबके सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। ये दोनों इलेक्शन कमीशन आ जाएं, यहीं आ जाएं या हम आ जाएंगे, उनके सामने डिबेट करने को तैयार हैं हम। ये दिखा देंगे और उनके मुंह से हाँ कहलवा लेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये इतना बड़ा रिस्क का काम आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है क्योंकि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। हम उनके मुंह से ये कहलवा लेंगे, दोनों चुनाव आयोग आ जाएं रिटायर्ड, कि हाँ इसमें धांधली होती है और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो जल्दी होगा, पहला सुरक्षित होगा, दूसरा और कम से कम धांधली वाला होगा, तीसरा और सबसे कम खर्च वाला होगा, चौथा। ये 4 पॉइंट्स का हम चैलेंज मोदी जी को भी और ये जो 2 सिपा सलार इन्होंने जनरल सुतारे हैं उनको भी दे रहे हैं। मोदी जी तो नहीं आ सकते, खैर बिजी होते हैं वो बहुत सारे कामों में, लेकिन ये दोनों चुनाव आयोग जो जनता को झूठ बोल रहे हैं इस तरीके से, वो आके हमसे डिबेट कर लें, हम आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हम लोगों ने एक सभी जो संगठन है जैसे ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन है, मानू जी उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं, दूसरा जो हॉकर्स एसोसिएशन है, जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स दूसरे एसोसिएशन हैं, जो RWS हैं और जो दूसरे संगठन हैं इस तरह के, पॉलिटिकल पार्टीज भी है दूसरे। एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को जाके ये कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रेजेंटेशन दें इस बारे में कि पेपर बैलेट के अलावा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स भी अभी भी VVPAT के झांसे में आ रहे हैं, तो उनको इससे VVPAT के झांसे से दूर करना है। और दूसरा एक हम लोग एक बैनर इशू कर रहे हैं, करो जो हम चाहेंगे कि ये सभी लोग, आपको DC कपिल साहब ने सबको ये आपके WhatsApp पे भी भेज दिया है, मोबाइल में भेज दिया, ये अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने ऑडियो पर, अपने WhatsApp मैसेज पे अपना इसको डिस्प्ले लगाएं, WhatsApp पे डिस्प्ले लगाएं, हर जगह जिस भी सोशल मीडिया पे हो इसको डिस्प्ले लगाएं, ये भी हम गुजारिश कर रहे हैं। क्या लिखा है इस पे, पढ़ के बताइए। EVM हटाओ देश बचाओ, और उसके बाद पिक्चर्स हैं उसके नीचे, EVM हटाओ संयुक्त मोर्चा, सबने देख लिया, सबको क्लियर हो गया। और दो जो फोटो हैं इसमें बाकायदा, एक में EVM जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं, और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बॉक्स में वो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्तेमाल करना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना, ये दिखाया गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये लगाओगे
उतना ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जनता में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है। हाँ, मुझे कुछ आरएसएस के लोगों ने भी, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने भी मुझे पकड़ा। वो कह रहे हैं, भैया ये बताओ, ये मोदी जी क्या हम पे भरोसा नहीं करते? ये हमसे पूछ रहे हैं, वो जो ईवीएम से जीतना चाहते हैं चुनाव, हम पे इतना भरोसा कम है क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? ये उनकी पीड़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यही बात मुझे आपसे करनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातें और जो अभी महमूद जी ने बताई, उसमें दो चीज़ें, इन्होंने कहा 543 लोकसभा सीटें हैं जिन पे चुनाव होता है, कि 543 इंजीनियर इनके पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लोकसभा के अंदर ही हजारों मशीन इस्तेमाल होती हैं, तो लाखों मशीन 543 पे, उसमें प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोग इनको चाहिए, कितने लोगों का इस्तेमाल होता होगा, किस किस पे भरोसा किया जाए, किस किस को विनोवर नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, बूथ पे जाके हर एक बूथ पे करना पड़ेगा। नंबर दो, द क्विंट की रिपोर्ट पे, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हुई है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर साइलेंट है कि जो बैलेट यूनिट से मैसेज जाता था कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट से जाता था वीवीपैट को, इन्होंने उल्टा कर दिया, इन्होंने कर दिया अब बैलेट यूनिट से जाता है वीवीपैट को, और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट को। यानी इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और इस पर इलेक्शन कमीशन इंडिया चुप है, ये उनको रिपोर्ट होने के बावजूद उस पर कोई बोल ही नहीं रहे। इसका मतलब साफ है, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे देश के लोगों को संदेह है, हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए।